everyone. In today's lecture, we will be learning about the generation of an action potential. And then after that, we will study about what is saltatory conduction. तो लास्ट टाइम हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था. उसमें हमने ये जो तीनों रेड रिसेप्टर रेड चैनल्स है इसके बारे में पढ़ा था. उसमें व्हाट डिड वी लर्न के जो सोडियम और पोटेशियम के लीकी चैनल्स है वो डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम को अंदर लेके आते हैं और पोटेशियम को बाहर लेके जाते हैं. विच मीन्स कि हमारे पास बाहर सोडियम का एक्सेस है और अंदर पोटेशियम का एक्सेस है. बट अंदर अलॉन्ग विथ पोटेशियम हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स भी हैं. तो ये न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स का जो ओवरऑल चार्ज है वो नेगेटिव होता है. और क्योंकि बाहर सोडियम ज़्यादा है than the amount of potassium inside, अंदर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है which is about 70 millivolts. Because constantly potassium को बाहर pump किया जा रहा है. सोडियम को for every 3 sodium which is pumped outside, 2 potassium ions are brought inside. Which means हर point पे बाहर की ओर sodium ज़्यादा होगा. मतलब सोडियम के वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा होगा दैन द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू पोटेशियम. इतना याद है? यह हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किया था. हाँ, अब आगे क्या होता है? सो फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा साइटॉन है इस वाले न्यूरॉन का, ठीक है, एंड ये एग्जॉन यहाँ से कनेक्टेड है. ओके, सो दिस इज योर न्यूरॉन. अब इसको दिस वेंट इनटू योर हैंड एंड तुम्हारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से. तो यहाँ पे विच मीन्स दिस नर्व वॉज इनोवेटिंग योर मसल देयर. तुमने कुछ प्रिक किया, किसी चीज़ से अपने फिंगर को प्रिक किया, तो यहाँ से जो पेन का मैसेज है वो कैरी होगा एंड उसको इस एक्सॉन के थ्रू अगले न्यूरॉन में जाना है. तो इनिशियली तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में था, दैट इज़ -70 millivolt था इसके अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस. बट अब जब स्टिम्युलस मिला, अब क्या होगा कि ये मैसेज आगे पास ऑन करना है. और अगर मुझे मैसेज पास ऑन करना है तो मुझे कोई और टाइप का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से, मतलब जो न्यूरॉन रेस्ट में है वो कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है. बट अगर मुझे कुछ परफॉर्म करना है तो उसमें थोड़ा सा चार्ज डिफरेंस लाना पड़ेगा ताकि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द न्यूरॉन विच इज़ वर्किंग एंड द न्यूरॉन विच इज़ नॉट वर्किंग. हेंस यहाँ क्या होता है, जैसे ही स्टिम्युलस मिलता है, फॉर एग्जांपल कुछ प्रिक किया, वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होता है. कैसे? जो सोडियम चैनल्स है, सो दीज आर कॉल्ड एज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स. तो ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है, ये वोल्टेज गेटेड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये वोल्टेज में चेंज आता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस से ओपन होते हैं और सोडियम अंदर आता है. अभी हमने डिस्कस किया कि बाहर एक्सेस सोडियम है इसीलिए बाहर पॉजिटिव चार्ज है कंपेयर टू द इनर पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए अंदर नेगेटिव है. बट अगर बाहर का सोडियम अंदर आ रहा है विच मीन्स कि अंदर भी एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है. समझ रहा है? कहाँ से? ओके, स्टार्टिंग से करती हूँ, ठीक है. ये साइड में देखना है,
सो यहां पे हमें कोई स्टिम्युलस मिला, करेक्ट? प्रिक हुआ फिंगर. सो ये जो एरिया है, दिस इज इन योर फिंगर. अब डेंड्राइट जो है वो इंफॉर्मेशन कैरी करके साइटॉन के पास लेके जाएगा, और साइटॉन में समेशन लॉ अप्लाई होगा. यहाँ पे सारे डेंड्राइट्स, इसके अलावा और डेंड्राइट्स भी होंगे जो फिंगर में है, ये सारे डेंड्राइट से जो भी प्रिक का इंफॉर्मेशन आ रहा है वो तुम्हारे साइटॉन में कलेक्ट होगा. और अगर वो थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा है तो वो इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन होगा. अब जब इंफॉर्मेशन पास ऑन होगा उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि नॉर्मली हमारा न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में रहता है, विच इज -70 mV, विच मीन्स कि पैसिवली सोडियम आयन्स अंदर मूव हो रहे होते हैं, पोटेशियम आयन्स बाहर मूव हो रहे होते हैं, और ATP यूज़ करके सोडियम पोटेशियम ATPase सोडियम आयन्स को बाहर पुश कर रहा होता है अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और पोटेशियम आयन्स को अंदर. तो हर 3 सोडियम आयन्स के लिए 2 पोटेशियम आयन्स अंदर आते हैं, विच मीन्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू विल सी बाहर हमेशा सोडियम आयन्स के वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा होगा दैन द पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू पोटेशियम आयन्स इनसाइड. अलॉन्ग विद दैट कि बाहर अगर मेरे पास 5 सोडियम आयन्स है, अंदर सिर्फ 3 पोटेशियम आयन्स है, तो अंदर रिलेटिवली कम पॉजिटिव चार्ज है. अलॉन्ग विद दैट अंदर DNA न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स होते हैं जिनका इनहेरेंट चार्ज इज नेगेटिव इन नेचर, जिसके वजह से हमारे न्यूरॉन के अंदर का या एक्सॉन के अंदर का एनवायरनमेंट इज नेगेटिव. तो दैट इज़ योर -70 mV दैट वी टॉक अबाउट. पर हमारे पास और 2 टाइप के चैनल्स हैं जिनको हम वोल्टेज गेटेड चैनल्स बोलते हैं. सो वन ऑफ देम इज कॉल्ड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, अदर वन इज कॉल्ड वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल. तो अगर कोई स्टिम्युलस मिलता है किसी न्यूरॉन को, न्यूरॉन को जैसे ही स्टिम्युलस मिलता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं. वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हुए तो बाहर जो एक्सेस सोडियम है जिसके वजह से पॉजिटिव चार्ज मिल रहा था वो सोडियम अंदर मूव होता है, जिसके वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एंड यह अंदर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है दैट इज़ अराउंड 30 mV, दैट कॉजेज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30 mV. समझा? हाँ दीदी. ठीक है, ये बेटर समझाना. तो अब अंदर +30 mV का पोटेंशियल डेवलप हुआ, विच मीन्स कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से ये अलग है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हमने पोलराइज्ड स्टेट बोला था, तो यहाँ पे पोलराइजेशन कम हो गया, इसीलिए हम इसको डीपोलराइज स्टेट बोलेंगे. सो डीपोलराइज स्टेट में क्या होता है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं जिससे सोडियम अंदर मूव होता है, और बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ सोडियम आउटसाइड एंड अंदर का एनवायरनमेंट रिलेटिवली नेगेटिव था, इसीलिए जो सोडियम अंदर आता है वो उसको पॉजिटिव करता है ऑफ अबाउट एन एवरेज ऑफ 30 mV. ठीक है, बट अंदर जैसे ही पॉजिटिव होता है, रिमेंबर ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स है, विच मीन्स अंदर जैसे ही पॉजिटिव हुआ पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं जिससे पोटेशियम बाहर मूव होता है. अब पोटेशियम बाहर मूव हो रहा है तो अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो वापस नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज यू आर पुशिंग आउट द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स. तो इससे ये वापस रेगुलेट होकर ये वापस -70 mV में लेके आता है. एंड रिमेंबर ऑल दिस टाइम जो लीकी चैनल्स है और जो सोडियम पोटेशियम ATPase है दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग. तो यहाँ पे सोडियम आयन्स बाहर जा रहे हैं, पोटेशियम आयन्स बाहर आ रहे हैं. तो ये जो टाइम है जब पोटेशियम आयन्स बाहर जा रहे हैं डीपोलराइजेशन के बाद, इसको वी कॉल इट
रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन क्यों? ये हम वापस इसको पोलराइज कर रहे हैं। री मतलब दोबारा करना, वापस करना, तो रीपोलराइजेशन इसीलिए क्योंकि हम इसको वापस पोलराइज कर रहे हैं, एंड हेंस दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो इमेजिन कि यहाँ पे ये इसको एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं और ये एक्शन पोटेंशियल का वेव इस तरफ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, जैसे ही साइना, ये तुम्हारा एक्सॉन टर्मिनल है ये एरिया, और ये तुम्हारा डेंड्राइट, डेंड्राइटिक बूटॉन है। तो ये एक्सॉनल एरिया में जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है, ये कैल्शियम चैनल्स ओपन करता है जिससे कैल्शियम अंदर आता है। हमने इसके बारे में पढ़ा था, जैसे ही कैल्शियम अंदर आता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर की वेसिकल्स है, छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये जाके आपके मेम्ब्रेन से बाइंड होते हैं और ये रिलीज होते हैं। यहाँ दिख रहा है, ये रिलीज हो गए इनटू द साइनैप्टिक स्पेस। दिस इज योर साइनैप्टिक स्पेस। अब ये साइनैप्टिक स्पेस में रिलीज हुए, फिर ये अगले न्यूरॉन में जाएंगे, यहाँ पे इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे। जैसे अगले न्यूरॉन के रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, विच मीन्स सोडियम अंदर आएगा और फिर प्लस 30 मिली वोल्ट्स का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, एंड देन विच मीन्स यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रहा है। फिर जैसे ही अंदर का एनवायरनमेंट अराउंड 30 मिली वोल्ट्स होता है, पोटेशियम चैनल्स ओपन होता है और वापस पॉजिटिव चार्ज बाहर जाने लगता है, एंड यहाँ पे रीपोलराइजेशन होता है। इसी तरह पूरे न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है और फिर दे कीप सेंडिंग मैसेजेस यूजिंग दिस वेव ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स। समझा? Yes. पक्का सबको समझा? हाँ दीदी। तो अगर मैं इसको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, वो ऐसा दिखेगा। सो यू हैव सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। मतलब क्या, हमने लास्ट टाइम हमने जब लॉज डिस्कस किए थे, हमने किया पढ़ा था कि तुम्हारा थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एग्जांपल ये है, विच इज़ एक्स। ठीक है, तो तुम्हें स्टिमुलस मिल रहा है, लाइक समथिंग प्रिक्ड यू, बट वो सिर्फ इतना ही है, वो थ्रेशोल्ड को टच नहीं कर रहा है। उससे तुम कोई, उससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, सो यू वॉन्ट फील इट। बट अगर एक स्टिम्युलस है, ठीक है, विच वॉज रियली हार्श एंड तुम्हें बहुत ज़ोर से प्रिक हुआ और वो थ्रेशोल्ड तुम्हारे पेन के थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, उसके बाद तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो तुम्हारा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है, दैट इज़ अराउंड -55 मिली वोल्ट्स, एंड योर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ अबाउट -70 मिली वोल्ट्स। तो एटलीस्ट -55 मिली वोल्ट्स जितना सोडियम अंदर, -55 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होने जितना सोडियम आयन्स को अंदर आना पड़ेगा इन द केस ऑफ योर डीपोलराइजेशन। तो जैसे ही ये स्टिमुलस -55 मिली वोल्ट्स को टच करता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और सोडियम अंदर आता है सेल के, तो इससे डीपोलराइजेशन होता है। जैसे जैसे इसका वैल्यू प्लस 30 मिली वोल्ट्स तक पहुंच रहा होता है, धीरे धीरे ये सोडियम चैनल्स क्लोज होने लगते हैं, और जैसे जैसे ये सोडियम चैनल्स क्लोज होने लगते हैं, पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं, और पोटेशियम चैनल्स क्या करते हैं, पोटेशियम को सेल के बाहर भेजते हैं, इफ्लक्स। इफ्लक्स यानी सेंडिंग देम आउट, इफ्लक्स होता है। तो उस दौरान चार्ज वापस गिरता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होने लगते हैं, एंड वी कॉल्ड दिस वेव ऑफ रीपोलराइजेशन। ये वापस उसको पोलराइज्ड स्टेट में लेके जा रहा है, इसीलिए रीपोलराइजेशन। और जैसे जैसे चार्ज इसके थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक आने लगता है,
पोटेशियम चैनल्स क्लोज होते हैं एंड हेंस योर न्यूरॉन गोज बैक इनटू अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. बट देर इज समथिंग कॉल्ड एज रिफ्रैक्टरी पीरियड जो हाइपर पोलराइजेशन के टाइम पे होता है. तो हाइपर पोलराइजेशन में इफ़ यू सी वो तुम्हारे नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो 70 मिली वोल्ट्स है उससे भी नीचे जा रहा है टू अबाउट -80 मिली वोल्ट्स. अब ऐसा क्यों हो रहा है कि आयोन्स को अपने आप को अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है. तो वो थोड़ा सा टाइम लैग इज कॉल्ड एज योर हाइपर पोलराइज स्टेट. जब बहुत सारे पोटेशियम आयोन्स बाहर चले गए होते हैं और सोडियम आयोन्स ने कॉम्पेंसेट नहीं किया होता है एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड एज हाइपर पोलराइजेशन. एंड इस पीरियड में न्यूरॉन अगला स्टिमुलस नहीं ले सकता. जैसे ही हाइपर पोलराइजेशन का पीरियड ख़त्म हो गया और वापस तुम्हारा न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ गया तभी तुम्हारा न्यूरॉन अगला स्टिमुलस ले सकता है और फिर फायर कर सकते हैं. फायर करना मतलब क्या, वापस डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन. सो दिस इज वेयर योर एक्शन पोटेंशियल एंड्स. समझा ये? ये समझाना. तो इफ़ यू विल नोटिस हमने अभी तक जो भी बनाए हैं एक्शन पोटेंशियल्स ड्रॉ किया है मैंने, उसमें किसी में भी तुमने माइलिन शीट्स देखा था क्या? नहीं नहीं. तो मैं भी बताती हूँ कि माइलिन शीट जब होता है तब किस तरह जाता है एक्शन पोटेंशियल. ठीक है, एक मिनट. हमने देखा कि ये हमने देखा नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन का चार्जेस कंटिन्यूअसली एक्सचेंज हो रहे हैं. बट जब माइलिन शीथ आता है, इफ़ यू नो माइलिन शीथ इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स. ठीक है, तो वो फैटी कवरिंग है एंड इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर. हम इलेक्ट्रिकल वायर्स में इंसुलेटर इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं. दैट इज़ बिकॉज वी वॉन्ट टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बींग कंडक्टेड बाहर उस एरिया से. हमें चाहिए कि वो पूरा करंट जो है उस वायर के अंदर से पास हो और हमारे सिंक में जाए एंड ना कि बीच में ट्रैवल के दौरान. अगर इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है वो ट्रैवल के दौरान बाहर ना चले जाए, कहीं और कंडक्ट ना करे. फॉर एग्जाम्पल यू टच इट विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक इफ़ यू डोंट हैव एन इंसुलेटिंग प्लास्टिक मटेरियल ओवर इट. वैसे ही हमारे न्यूरॉन में भी काफ़ी चार्जेस मूव हो रहे हैं जिसके वजह से वी हैव सम इंसुलेटिंग मटीरियल विच इज़ नोन एज माइलिन शीथ. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ कौन से सेल्स बनाते हैं? हेलो जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ कौन से सेल्स बनाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ इज फॉर्म बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. ठीक है, और श्वान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बनाते हैं. तो अगर CNS हुआ तो तुम्हारा माइलिन शीथ इज मेड बाय योर ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स ओ और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. बट क्योंकि कोई ना कोई सेल तो बनाना चाहिए ना ये माइलिन शीथ, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में योर माइलिन शीथ इज मेड बाय योर श्वान सेल्स. ठीक है, तो यहाँ पे इफ यू सी
ये जो माइलिन शीथ है यहाँ पे से यहाँ इसने कलेक्ट किया चार्ज, ठीक है, एंड इट इज़ पासिंग ऑन लाइक दिस। इफ़ यू नोटिस ये जो जहाँ भी माइलिन शीथ है यहाँ पे चार्जेस बाहर नहीं जा पा रहे, तो यहाँ पे जो चैनल्स है, ठीक है, दे आर नॉट फंक्शनिंग। वाई? बिकॉज यहाँ पे ये जो माइलिन है ये चार्जेस को बाहर जाने ही नहीं देगा बिकॉज इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। तो जो भी पोटेंशियल एक्सचेंज होना है वो सिर्फ यहाँ होगा, विच इज़ नोन एज योर नोड ऑफ रणबीर। सिर्फ इतने इतने रीजन में अगर चार्जेस लॉस होंगे, इसका यह मतलब है कि और जल्दी ट्रैवल होगा इम्पल्स, और तेज़ी से आगे जाएगा विथ मिनिमम लॉस। यहाँ 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 लॉस होने से ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से जाता है, एंड ये इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी जाता है इन अबाउट 120 मिली सेकेंड्स, लेस देन 120 मिली सेकेंड्स आई गेस। तो अब ये तेज़ी से जा रहा है, इफ तो हमारे बॉडी में सबसे फास्ट एक्शंस जो है हम उनको रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं, तो दीज डेंड्राइट्स विल बी एट योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये मसल है और ये तुम्हारे न्यूरॉन्स है, यहाँ पे इनके जंक्शन में होते हैं। तो जो हम क्लासिक एग्जांपल देते हैं कि कुछ गर्म टच किया और इमीडिएटली हमने हाथ हटा दिया, वो इन टाइप के सेल्स से होता है बिकॉज यहाँ पे इम्पल्स बहुत जल्दी मूव हो रहा है, एंड दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज कॉल्ड एज सॉल्टेटरी कंडक्शन। अब सॉल्टेटरी कंडक्शन हो रहा है और ये मैसेज जल्दी जल्दी पास ऑन हुआ। और द थिंग अबाउट माइलिन शीथ इज तुम उस पर्टिकुलर न्यूरॉन पाथवे को, फॉर एग्जांपल तुम वायलिन बजाना सीख रहे हो, ठीक है, तो तुमने उन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट किया फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वो न्यूरॉन ऐसे दिखता है, इट हैज़ नो माइलिन और वेरी लेस माइलिन, बट तुम बार बार प्रैक्टिस करते गए करते गए करते गए तो वो धीरे धीरे माइलिन शीथ डेवलप करेगा। अब ये माइलिन शीथ क्यों डेवलप करेगा, तुम जैसे जैसे इस न्यूरॉन को ज़्यादा यूज़ करोगे, एज आई सेड चार्जेस कम लूज होंगे बाहर की ओर, और अगर कम लॉस हो रहा है विच मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो न्यूरॉन, अगर तुम इस न्यूरॉन को बार बार यूज़ करोगे या इस न्यूरॉन के पूरे पाथवे को तुम्हारे मसल से जो तुम्हारे ब्रेन में जा रहा है, तुम्हारे ब्रेन से जो मसल में जा रहा है, वो न्यूरॉन क्या करेगा, वो माइलिन डेवलप करेगा। क्यों? क्योंकि इट विल बी लाइक, अरे मैं इतने चार्जेस लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकता, और वैसे भी ये लोग बार बार मुझे यूज़ कर रहे हैं, तो आई विल डेवलप माइलिन शीथ अराउंड माई सेल्फ ताकि मेरे थ्रू चार्जेस बाहर ना जाए फालतू में और लॉस ना हो। और जितना ज़्यादा माइलिन डेवलप होगा उतना ज़्यादा तेज़ हो जाएगा वो नर्व कंडक्शन, और जितना तेज़ होगा नर्व कंडक्शन उतना बेटर तुम वो काम कर पाओगे, उतना एफिशिएंटली वो काम कर पाओगे, बिकॉज दैट पाथवे इज़ वेरी एक्टिव। तुमने बचपन में जब फर्स्ट टाइम ब्रश करना सीखा था, तुम्हें नहीं आता था ऐसे ब्रश करना, यू डिड नॉट नो वेयर टू पुट योर ब्रश इन, कैसे रब करना चाहिए, बट जैसे जैसे तुमने ओवर ईयर्स किया, अभी तुम्हें सोचना नहीं पड़ता दो बार कि ओ मुझे ऊपर के टीथ भी क्लीन करना है, नीचे के टीथ भी क्लीन करना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। शू लेस टाई करना और शूज़ पहनना, सॉक्स पहनना, लिखना, क्योंकि तुम्हारे जो न्यूरॉन्स एक्टिवेट हुए थे तुम्हारे लिखने स्टार्ट करने से, अभी दे हैव अ वेरी थिक माइलिन शीथ अराउंड देमसेल्व्स, बिकॉज बहुत थिक माइलिन शीथ है, इसीलिए तुम बिना बहुत ज़्यादा सोचे, बिना बहुत ज़्यादा प्रोसेस किए फटाफट लिख सकते हो। वही तुम कोई न्यू लैंग्वेज सीख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोरियन, तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि तुम्हारे न्यूरॉन्स इस अवस्था में होंगे, दे विल हैव क्लोज टू ज़ीरो और नो माइलिन ऑन देम, एंड हेंस यू विल बी प्रोसेसिंग इट वेरी वेरी स्लोली। फिर जैसे जैसे यू प्रैक्टिस इट मोर फॉर लाइक 4 months, 8 months, 12 months, 2 years, तुम्हारा न्यूरॉन बहुत थिक माइलिन डेवलप करेगा, बिकॉज यू विल बी
practicing it and you will be using it, and hence it does develop myelin to conserve energy. Samjha? Saltatory conduction. दीदी क्या फिर मतलब ये माइलिन शीट जब बन गया तो फिर जब ओल्ड हो जाते हैं सब लोग तो फिर माइलिन शीट खत्म भी हो जाता है? ओल्ड होते हैं वो एक बात है, दूसरी बात ये है कि मैंने जब बोला ना तुम प्रैक्टिस करते हो तब यूज़ करते हो. सिमिलरली अगर तुमने कुछ सालों तक प्रैक्टिस नहीं किया और उसको छोड़ ही दिया तो वो डीजेनरेट होने लगता है माइलिन शीथ. तो इफ़ यू सी जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाते हैं वो रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, हर रोज़, ताकि उनका जो होल्ड है उसको करने में वो चला जाएगा. एंड विथ एज व्हाट हैपेंस इज माइलिन डीजेनरेशन होता है, बट नॉट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस रीजंस, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन. द अदर रीज़न इज कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है वो कलेक्ट होने लग जाते हैं ब्रेन में, एंड उसके वजह से न्यूरॉन का सेल ही डीजेनरेट होने लगता है धीरे धीरे. हम उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि वी हैव न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स इन योर सिलेबस. अच्छा, और कोई डाउट? श्रद्धा, रोशनी, ज्योति, दीपक, रजनी? नो डाउट. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं? ये ग्राफ तो अच्छे से समझा. ये डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये भी समझा? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीजेस पढ़ेंगे. ठीक है.